और मुझे कसम से कैब्स का इतना क्रेज हो चुका है ना। पहले अभी हम लोग जा रहे हैं बोरी का सूप पीने, जो सबसे फेमस है, सारी चीजें रखी हुई है। ओए भाई गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोपहर के बज रहे हैं 2 और मैं यहाँ पे हो रहा हूँ बोर। अरे ये शेर नहीं बन गया, अपनी प्यारी यहाँ पे खड़ी है बुरखे में भी, कितनी प्यारी लगती है यार ये। और भाई क्या हाल है, उठ गए तुम? हाँ, ये क्या खा रहे हो? केक। मुझे खिलाओगे? नहीं, खा लो खा लो। अपने ऊपर की जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है, यहाँ पे पहले कितना सारा सामान था, सारा साफ हो गया। अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, पिछली वीडियोस में मैंने दिखाया था कि यहाँ पे कितना सामान था। अब ऑलमोस्ट क्या सब ही खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे प्लास्टर वगैरह होगा वो रहता है। और इन कमरों की अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सामान खत्म हो चुका है और इस कमरे से भी सब कुछ जा चुका है। अगर हम इस कमरे को छोड़ के छोटे कमरे में आ जाना तो यहाँ पे देखो ये कितना सामान रहता है यार, ये सफाई के लिए ये बस रहता है, ये सामान चले गया फिर सब कुछ खत्म हो जाए। आज दोपहर के खाने में हमारे पास यहाँ पे हैं आलू की कतलियाँ, इतनी अच्छी लगती है ना, मेरी फेवरेट है। मगरिब का टाइम भी हो गया और आजकल मगरिब इतनी जल्दी हो रही है ना, असल में सर्दियों में, और आज मैं उठा भी देर से था तो इसलिए जल्दी मगरिब हो गई। वैसे सर्दियों के वक्त तो होती ही जल्दी है मगरिब। ये यहाँ पे फातिमा ना हर वक्त एक तो मोबाइल ही देखती रहती है। फातिमा कभी तो तुम मोबाइल रख दिया करो बेटा, हर वक्त पापा भी इसको डांटते रहते हैं कि बेटा कितना मोबाइल देगा कितना मोबाइल देगा। आजकल के बच्चे सिर्फ मोबाइल में घुसे रहते हैं। मैं इस एज में कसम से बाहर जाके खेलता था, बाहर जी। पता है पिछले 4 दिन से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूमे जा रही है, कैब्स कैब्स कैब्स। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना मैं एक वॉल बनाऊंगा, और मुझे कसम से कैब्स का इतना क्रेज हो चुका है ना कि बस मुझे वॉल बनानी है बनानी है बनानी है, मैं बस जमा करने में लगा हूँ। और मैंने अंडर आर्मर का ऑफिशियल ओरिजिनल कैप ऑर्डर किया है, वो इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत नेक्स्ट लेवल कैप है यार। अच्छा, अम्मा का ना अभी रिसेंटली फोन आया है, ये देखो। और अम्मा ना हर वक्त मतलब फोन में लगी रहती हैं, कभी किसी से बात, कभी किसी से बात, और कभी यूट्यूब देखती रहती हैं, तो अच्छा है अम्मा का भी टाइम पास होता रहता है। अभी हम लोग जा रहे हैं कराची का फेमस बोरी का सूप पीने के लिए, यहीं पर है, हैदरी में जगह है। उज़ैर भाई आ रहे हैं, फिर हम लोग उनके साथ जाएंगे। मेरा कुछ इतना खास मूड नहीं है सूप वगैरह का, और मेरा कोई शौक भी नहीं है सूप पीने का। बाहर के लिए कैप हम लोग दूसरा पहन लेते हैं, क्योंकि तुम लोगों को तो पता है ना बाहर के लिए मैं अलग रखता हूँ कैप। ओके जी, हम लोग निकल गए हैदरी का फेमस बोरी का सूप पीने के लिए। और उज़ैर भाई उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन तो देते हैं आप, थोड़ी मतलब इन्फॉर्मेशन। डिस्क्रिप्शन जो है मैं रामेश को डेडिकेट करूंगा, जिस तरह मैं भी बताऊंगा ना उसके मुंह में पानी आ जाएगा। तो लास्ट ईयर यही दिन थे तकरीबन नवंबर के, लास्ट ईयर का, हाँ जब हम गए थे ना राशि सी फूड। सही है सही है, वो तुम डाल हाँ, राशि सी फूड गए थे यार, वही माहौल है। सर्दी में मछली खाने में मजा आता है, सूप पीने में मजा आता है। सही है, अभी तो भाई मछली का सीन भी हमें करना है दिसंबर में। दिसंबर तो वैसे भी स्टार्ट ही हो गया, बस दिसंबर के एंड में हम लोग मछली का सीन करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हम लोग जा रहे हैं बोरी का सूप पीने, जो सबसे फेमस है, और जुबैर का सबसे फेवरेट सूप है। सब पूरे कराची में सबका ही फेवरेट है, और जो व्यूअर्स है ना उनमें से आधे लोगों ने देखा होगा पहले से ही। मैं पहली दफा जा रहा हूँ, मैं 10 साल से पी रहा हूँ, उससे पहले पता नहीं कब है। 10 साल से लगातार पी रही है, हर साल एक दो बार जाते हैं। अच्छा अच्छा, मैं आज पहली दफा जा रहा हूँ। इस वक्त उज़ैर भाई गाड़ी का शीशा इतना गंदा हो रहा है ये, और अभी 2 आंटियां जा रही, एक बच्ची थी और एक आंटी थी ना, ये अभी उनको उड़ा देते भाई, उड़ा देते, अभी खून का इल्जाम आ जाता मुझ पे यहाँ पे। यार अभी मैं आते हुए 2-3 बंदे उड़ा, देखो 2-3 बंदे उड़ाते हुए भी आ रहे हैं ना, बोनट पे खून लगा। अबे भाई तो देखो कितना मतलब गंदा ही हो रहा है, मैं तो बदल से उठ चला रहा हूँ। आते भी शीशा साफ कर लो, नहीं नहीं बैठो सही है। यार तो कपड़ा नहीं था ना उस वक्त, क्या कर सकते हैं, कपड़ा भी था फायदा। गाड़ी ले ली इन्होंने लेकिन ये निकालते नहीं है, कपड़ा ले लिया ये निकालते नहीं है, पता नहीं क्या कपड़ा ले लिया निकालते नहीं है, क्या मतलब गाड़ी में कपड़ा रखा वो निकाल लो। नहीं नहीं गाड़ी यार, मैं अपनी बसंती को मतलब गाड़ी लॉक के खोलनी नहीं आती, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको सजा के रखता हूँ भाई अलग। वो एक ही ब्लॉक में आपको दिखी थी गाड़ी अपनी दिखे। यहाँ पे इस वक्त हमारा पेट्रोल चल रहा है। ओके जी, इस वक्त हम लोग आ गए हैं बोरी के सूप पर। हमारे पीछे देखो रश कितना हो रहा है यार, वैसे मुझे लगा था वीकेंड नहीं इतना रश नहीं होगा। अच्छा लोकेशन तो बता, लोकेशन का सीन यार हैदरी पे जो गवर्नमेंट मॉल है ना उसके बिल्कुल बराबर वाली है, ठीक है सही हो गया। ये भाई बोरी का सूप और रश बहुत हो रहा है यहाँ पे। मैं लास्ट ईयर रहता है यहाँ पे तो इसके प्राइस थे तकरीबन 60 रुपए, पता करते हैं कितने का अभी, कितने का पूछा है। 60 रुपए अभी भी 60 का है भाई। क्या प्यारा लग रहे हो उधर भाई, हमारा अंडे वाला तैयार हो गया। ओए होए क्या प्यारा लग रहा है, वाह। और यहाँ इनकी सारी चीजें रखी हुई है, वो वाला अपना इसके मवाद यहाँ से डालेंगे, इन चीजों को क्या कहते हैं,
यार ये पता नहीं क्या है भाई, ये सॉसेस है हमारी नजर में तो, है ना, ये तो सिरका है, ये अदरक वाला है, ये हरी चटनी है, ये कोई लाल चटनी है। अच्छा अच्छा, ये काली चटनी है। सही, मैं वैसे ही खाता नहीं, मुझे बस चम्मच दे। क्या टाइट लग रहा है यार उदय भाई, इन्होंने कुछ चीजें भी डाली हैं इसमें, सिरका वगैरह है। मेरा सादा है बिल्कुल, फर्स्ट बाइट लेंगे उधर भाई। यहाँ दिखाओ यार, हाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, वहाँ दिखाओ। ओए ओए भाई, मैंने सूप जिंदगी में चौथी बार पिया है और मेरा ये पहला था बोरी का, तो बहुत टाइट है, मज़ा आ गया। मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यहाँ पे बोरी के सूप पे इतना रश होगा। ये लोग सही कहते थे, ये लोग मुझे हमेशा कहते थे भाई बहुत रश होता है, तू ट्राई तो कर। मैंने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, सूप पे कौन सा रश, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा रश है। अभी 10 मिनट बाद टोकन मिला हमें और वहाँ पार्किंग मिली है, दुकान कोने में पार्किंग मिली और दुकान वहाँ कोने पर है, तो यार सूप अच्छा है वैसे। भाई साहब यहाँ तो चम्मच भी चाटा जा रहा है, यार बहुत टेस्टी था। एक बार खिला रहे हो ना आप? हाँ अभी खिला रहा हूँ, अभी खिला रहा हूँ। मुझे असल में गाड़ी की ट्रीट आज दे रहा है, वो भी सूप से, ये देख लिया लिए ऑल्टो वाली ट्रीट दे रहा है। भाई अभी मुझे पता चला है कि ये जो बोरी का सूप है ये 28 साल पुरानी दुकान है, मतलब 28 साल पहले सूप बेच रहे हैं। मैं तो अपने बचपन में पीता आ रहा हूं। अच्छा आपके बताया था आपने लास्ट रुपए में पिया था, सबसे पहले 8 रुपए का था एक प्याला, झूठ नहीं बोल रहा, कसम से पता है भाई, 8 रुपए का सूप पिया 2007 में जब मैं 7 क्लास में था, जब पिया था पहली बार। अच्छा 2007 में इसकी प्राइस थी। वाह यार वाह, एक और पीना, एक और भी, अबे भाई बस कर दे यार। ये बंदा कितना सूप पिएगा यार, एक और पीने आ गया ये देखो, ये यहाँ पे इनका एक और सूप आ गया, और कसम से मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये 28 साल पुरानी दुकान है। मेरे तो ऐसे ही तो होता है, पुरानी पुरानी जगहें होती हैं। वाह यार, अब तुमने 2 साल से यूट्यूब शुरू किया। अच्छा सारे मैंने, अच्छा कसम से मुझे ये भी नहीं पता था कि हैदरी पे ये फूड स्ट्रीट भी है, मैं पहली दफा आ रहा हूँ हर एरिया में, पता मुझे। वाह यार, सूप हम लोगों ने पी लिया और यहाँ की लाइट चले गई है, सब तरफ अंधेरा छा गया है, और नो डाउट यार सूप अच्छा था। चलो भाई, मुझे ऐसा आज क्यों फील हो रहा है, ये उज़ैर भाई का शीशा जो है ये आज मरवा देगा। ओके जी, तो घर पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे मैं अपनी एडिटिंग कर रहा हूँ, और उज़ैर भाई भी घर पे चले गए, पता नहीं कितने लोगों को उड़ाते हुए जा रहे होंगे वो रास्ते में। खैर अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़। आज भी बूम कर ही लेते हैं यार।